हेड कांस्टेबल की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी कोने से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी पूरे भारतीय कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप कम से कम सिंपल 10वीं बारहवीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है हेड कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती की जो सबसे बड़ी बात होगी, इस भर्ती के लिए आपसे यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लिया जाएगा और बिना किसी दौड़ के यहाँ पर भर्ती होने वाली है, यानी कोई रनिंग टेस्ट भी आपका इस भर्ती में नहीं होगा। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कम्प्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको उस ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पोस्ट नेम जो होगा, यानी कि जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। हु कहने पर तो भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, यानी कि जो आपकी हाइट और वेट होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। और जब आप यहाँ पर आवेदन फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर बताना भी होगा कि आपके अनुसार आपकी हाइट अब फिलहाल कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जब आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जब आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए 70+5 सेंटीमीटर का फ्लॉ भी होना अनिवार्य है। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 35,100 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, और एससी, एसटी, पीएच फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं, यानी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट से यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके एज 18 से लेकर 25 के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 18 से लेकर 28 ईयर, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 30 के बीच में अगर आपकी एज है, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। आपकी जहाँ पर एज काउंट की जाएगी 1 अक्टूबर 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो, यानी कि आपके एज में जो छूट दी गई है एससी एसटी वालों को 5 की दी गई है, ओबीसी वालों को आपको यहाँ पर 3 की छूट दी गई है, और पीएच कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 10 की छूट दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर पाएंगे। इस भर्ती का जो यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई दौड़ यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से, तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य, यानी कि इन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स प्लस इन डॉक्यूमेंट की जानकारी भी आपके पास होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, जब आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन सब डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है
तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तब आप इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, आप उससे भी इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तब आप इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे, यानी कि मैट्रिकुलेशन या फिर इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया है तब आप इस भर्ती के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद से आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। इस भर्तियों का फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, केवल आपके यहाँ पर हाइट नापी जाएगी। इस भर्ती से और सिलेबस होगा, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर वेबसाइट पर मेंशन की गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो आपका यहाँ पर एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश में आएगा। टोटल आपके यहाँ पर 3 एग्जाम यानी 3 सब्जेक्ट का आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। सभी जानकारी आपको यहाँ पर भी इस वेबसाइट पर दी गई है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म प्लस नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। इसमें आपको यहाँ पर सभी जानकारी फिल करनी होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पर बताना होगा कैंडिडेट का नेम, उसकी सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, आपको यहाँ पर सभी जानकारी फिल कर देनी है। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यानी कि डेट फिल करनी है, पहले से बताना है। आपको यहाँ पर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। करने के बाद यहाँ पर एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अभी तक यहाँ पर इस भर्ती के ऑफलाइन आवेदन स्टार्ट हुए हैं, अगर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे तो मैं एक आपके लिए अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा ऑफलाइन मोड से, तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया, जहाँ पर लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप वीडियो हिंदी, तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको ऑफलाइन आवेदन फिल करना होगा। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सीआरपीएफ की ओर से यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हेड कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। जो वैकेंसी निकाली गई है हेड कांस्टेबल के आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है, और सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, 15 अक्टूबर तक आप इस भर्ती के ऑफलाइन मोड से आवेदन फिल कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।